ये देखिए ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची और अंदर से बिल्कुल मुंह में घुल जाने जैसे। ये देखिए, क्या आप दूसरे पकौड़े कटलेट पाव भाजी भूल जाएंगे। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही आसानी से मात्र दो ही मेन चीजों से आप ये आलू का बहुत ही टेस्टी स्नैक्स बना सकते हैं, जो देखने में भी सुंदर, बनाना भी आसान, और इसको आप बना करके दो हफ्ते के लिए फ्रीजर में रख भी सकते हैं। और इस टेस्टी रेसिपी का नाम है आलू के चटपटे तिकोना बाइट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। चटपटे तिकोना बाइट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 4 उबले हुए आलू। अब हम सबसे पहले एक बोल लेंगे, एक ग्रेटर की मदद से इस तरह से हम ग्रेट कर लेंगे। अगर आपके पास मैशर है तो आप मैशर से मैश भी कर सकते हैं। तो सभी आलू को बस इस तरीके से हमें तैयार करना होगा। तो ये लीजिए, आलू हो गए हैं हमारे ग्रेट। अब बस हमें कुछ चीजें इसमें डालनी होंगी। इसमें 4 चांद जो लगा देंगी वो है आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, आप सिंपल वाला भी डाल सकते हैं, आधा छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स जो इसको बहुत ही प्यारा सा लुक देंगे। रेड चिली फ्लेक्स बनाने के लिए बस आपको लाल मिर्च सूखी वाली लीजिए, मिक्सी में हल्का पल्स पर दरदरा चला दीजिए तो आपको इस तरीके के फ्लेक्स तैयार हो जाते हैं। एक छोटी चम्मच डाल रही हूँ अदरक लहसुन पेस्ट, अगर आप लाइक करते हैं तो डालें, इसके बगैर भी ये बहुत बढ़िया बनते हैं क्योंकि हम इसको बड़े खास मसालों के साथ बनाने वाले हैं। और आखिर ये चटपटे आलू बाइट्स है, और वो स्पेशल मसाला है पाव भाजी मसाला। ये मेरा होममेड पाव भाजी मसाला है। पाव भाजी मसाला एक ऐसा मसाला है मेरे ख्याल से सभी के घर में रहता है, तो आप जब इस मसाले से ये तिकोना बाइट्स बनाएंगे तो आप खाते रह जाएंगे, एक बार आप जरूर ट्राई करें। तो ये मैं डाल रही हूँ पाव भाजी मसाला 2 छोटे चम्मच। और होममेड पाव भाजी मसाले की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और अगर मान लीजिए पाव भाजी मसाला नहीं है तो कोई बात नहीं, आप क्या करें, यहाँ पर 1 छोटी चम्मच गरम मसाला डालें, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाल लें, तो उससे भी आपका बहुत बढ़िया तिकोना बाइट्स तैयार होंगे। नमक स्वाद अनुसार, और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आधा छोटी चम्मच जीरा। जीरा इसको बहुत बढ़िया फ्लेवर देगा और जब आप खाएंगे तो ये बड़ा टेस्टी लगेगा। और थोड़ा सा डाल देते हैं नींबू का रस 1 छोटी चम्मच के करीब। आप यहाँ पर चाहें तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे इसकी अच्छी बाइंडिंग के लिए, इसको क्रिस्प टेक्सचर देने के लिए 2 बड़े चम्मच कॉर्न स्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप यहाँ डाल सकते हैं अरारोट पाउडर, या फिर आप यहाँ डाल लीजिए 1/4 कप के करीब ब्रेड क्रम्स। ब्रेड को मिक्सी में पीस करके इस तरह क्रम तैयार हो जाते हैं, आप वो भी डाल सकते हैं। ये बाइंड करेगा और इसकी वजह से जब आप इसको फ्राई करेंगे तो ये फटेंगे नहीं और बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी टेक्सचर आएगा। तो दोनों में से कुछ भी डाल लीजिए। तो मैं यहाँ पर कॉर्न स्टार्च डाल लेती हूँ 2 बड़े चम्मच। और अब फाइनली डालते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। बस हो गया, जो मेन एक चीज है वो है आलू, दूसरी चीज है हमारे मसाले। बहुत कुछ हमें इसके लिए तैयार नहीं करना पड़ता है, अच्छे से सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए, मिक्स को मैंने बिल्कुल बढ़िया से तैयार कर लिया है, हल्का सा ऑयल लगा करके इस तरह से स्मूथ कर लें। अब हम लेंगे कोई भी, आप चाहें तो स्टील की प्लेट ले लें, अगर आपके पास ये बर्फी वाली ट्रे है तो ये ले लीजिए। तो मैं ये बर्फी वाली ट्रे ले लेती हूँ। हम बनाने वाले हैं तिकोना बाइट्स, तो उसके लिए सबसे पहले कुछ बूंद हम ऑयल की डालेंगे और ट्रे को या प्लेट को आप इस तरह से बिल्कुल चिकना कर लें, ग्रीस कर लें, जिससे कि जब हम पीसेस को कट करेंगे तो वो उस पर बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। अब हम ले लेते हैं हमारा पोटैटो बाइट्स का मिक्स और अच्छी तरीके से दबा करके इसको इस ट्रे पर फैला लेंगे। चाहे तो आप अभी इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन जिस तरह से मैं बना रही हूँ उससे बहुत ही बढ़िया टेक्सचर भी आएगा, इसकी लुकिंग भी आएगी, आप इसे लंबे समय के लिए स्टोर भी कर पाएंगे। चम्मच से फैला लें या आप हाथ से भी इस तरह से फैला कर इसको बराबर कर सकते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल मैंने इस तरीके से आलू बाइट्स को सेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि ये बढ़िया से सेट हो जाए, ऑयल भी कम अब्सॉर्ब करें और इनके पीसेस बिल्कुल परफेक्ट कटें, उसके लिए या तो आप 20 मिनट के लिए फ्रीजर, जो डीप फ्रीजर होता है उसमें रख सकते हैं, या फिर आधा घंटे के लिए फ्रिज में रखते हैं, या आप चाहें तो इसको बाहर भी यूं ही छोड़ सकते हैं थोड़ी देर सेट होने के लिए, जिससे ये बढ़िया से सेट हो जाए। बेहतर होगा कि आप फ्रिज में या फ्रीजर में रखें। तो मैं इसको बढ़िया से सेट होने के लिए रख देती हूँ इसको फ्रीजर में, जिससे ये बिल्कुल परफेक्ट सेट हो जाएगा, फिर हम इसके बढ़िया से चटपटे तिकोना बाइट्स बना पाएंगे। तो ये देखिए, मैंने फ्रीजर से इसको निकाल लिया है और ये बिल्कुल परफेक्टली देखिए सेट हो गया है। अब हल्का सा हम इस तरह से इसको डीमोल्ड करेंगे और इसको इस पर निकाल देंगे। वाओ, अब आप देख सकते हैं इतना परफेक्ट हमारा ये सेट हुआ है। अब आप अपने मनपसंद शेप का इजीली इसे कट कर सकते हैं। मैं इसको यहां से बीच में से करती हूँ कट,
और अब इस तरह से स्क्वायर पीसेस करेंगे इसके यहाँ से कट। मैं यहाँ पर इस तरीके से इसको लगाऊंगी कट और सभी पीसेस को हम इसी तरह कट कर लेंगे। ये देखिए मैं एक पीस आपको उठाकर दिखाती हूँ, ये देखिए है ना बढ़िया, बिल्कुल परफेक्ट। इस तरीके से सभी पीसेस को हम अलग कर लेंगे। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारे तिकोना बाइट्स के बहुत ही बढ़िया पीसेस, है ना बढ़िया चीज। ऐसे बनाएंगे ना तो आपको फर्क खुद देखने को मिलेगा कि कितना बढ़िया इसका क्रिस्पी टेक्सचर आता है। अब आपकी चॉइस है, आप अगर अभी खाना चाहते हैं तो इसको डीप फ्राई है, शैलो फ्राई है, तवे पर सेक सकते हैं, इस तरह भी बनाया जा सकता है। अगर आप इसे अभी नहीं खाना चाहते आप ले एक एयर टाइट कंटेनर और कंटेनर में इस प्रकार से आप रख दें सारे पीसेस को और आप इसे लगभग 2 वीक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। इस तरह से बंद करके आप इसे फ्रीजर में रखते हैं, इससे ये पूरे 2 हफ्ते भी खराब नहीं होगा। बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स में आपको रखने हैं तो सुबह में बस फटाफट से फ्राई कर दीजिए, और अगर आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है तब भी आप इसी तरह से तैयार कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारी रेसिपी पूरी नहीं हुई है, अभी एक स्टेप हम और करेंगे जिससे आएगा इसमें बिल्कुल आपके मार्केट स्टाइल बाइट्स वाला टेक्स्चर। तो ये मैंने ली है 3 बड़े चम्मच मैदा। यहाँ पर आप मैदा ले सकते हैं, चावल का आटा भी ले सकते हैं, कॉर्न स्टार्च ले सकते हैं या अरारोट पाउडर ले सकते हैं, जो भी चीज घर में हो ना वही लेना है आप। और इसमें हम डालेंगे अब 1/2 कप पानी, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करके इसकी हम तैयार करेंगे स्लरी यानी कि घोल, जिससे हमारे बाइट्स में आएगा एक बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी क्रंची टेक्सचर और उसका गोल्डन कलर। तो ये देखिए स्लरी हो गई है बिल्कुल तैयार, इस तरीके का पतला घोल चाहिए फ्रेंड्स। अब आपको अगर थोड़ा पानी की ज्यादा मात्रा डालनी पड़े तो आप उसको एडजस्ट कर लें। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार मिक्स करेंगे नमक को। ये मैंने लिया है थोड़ा सा ब्रेड क्रम। ब्रेड क्रम बनाना बहुत ही आसान है, चार ब्रेड को सिंपल सा बस तोड़ा और मिक्सी में डाल करके उसको ग्राइंड कर दिया, तो इस तरह का फाइन पाउडर आपको मिल जाएगा, कोई भी ब्रेड ले लीजिए। अब हम लेंगे हमारा तिकोना बाइट और तिकोना बाइट को इस तरह से स्लरी में करेंगे डिप और डिप करके इसको कोट करेंगे ब्रेड क्रम से। अब जब आप इसको फ्राई करेंगे ना तब आप इसका टेक्सचर देखिएगा, इतना क्रिस्पी क्रंची और इतने सुंदर ये लगेंगे। इस तरह से हम सारे ही पीसेस को तैयार करते जाएंगे। अगर आप ब्रेड क्रम में कोट नहीं करना चाहते तो यहाँ ऑप्शन है कॉर्नफ्लेक्स का। कॉर्नफ्लेक्स को बिल्कुल हाथ से चूरा कर लीजिए फाइन और उसमें भी आप इसको कोट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सभी पीसेस को इस तरीके से तैयार कर लिया है ब्रेड क्रम से कोट करके। अब हम इसको करेंगे डीप फ्राई। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालेंगे, ऑयल को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल में से हीट आ रही है, बहुत ज्यादा तेज गर्म तेल में नहीं डालेंगे वरना हमारे बाइट्स अंदर से पूरी तरह से सिक नहीं पाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे करके हम एक एक पीस को डालेंगे और देखिए इसमें बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा ऑयल परफेक्ट गर्म है। और बिल्कुल इसी तरीके से हम मीडियम फ्लेम पर इसको बिल्कुल गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। एक चम्मच आप लीजिए और उसकी बैक साइड से इसको हल्का सा इस तरह घुमा दीजिए। जब आपको लगे कि पीसेस ऊपर आ रहे हैं तभी आप टच करें। और ये देखिए हमारे बहुत ही बढ़िया तिकोना बाइट्स गोल्डन एकदम फ्राई हो गए हैं। और ये देखिए हमारे तिकोना बाइट्स एकदम क्रिस्पी क्रंची और एकदम गोल्डन। ये देखिए बिल्कुल आपको पास से दिखा रही हूँ जिससे आप इसका टेक्सचर देख पाए। जिस तरीके से हमने इसको बनाया है इसकी रौनक देखते ही बनती है, बहुत ही बढ़िया, खाने में तो लाजवाब है। तो चलिए इसी तरीके से दूसरे बैच के भी हम तिकोना बाइट्स को फ्राई करते हैं। और ये लीजिए हमारे दूसरे बैच के तिकोना बाइट्स भी बिल्कुल रेडी हैं। तो इसको भी निकालते हैं एक प्लेट पर। और ये देखिए हमारे चटपटे तिकोना बाइट्स बिल्कुल तैयार है और आप इसका क्रिस्प देख सकते हैं कि ये कितने करारे हैं। सुना आपने इसकी आवाज, इसी से आपको समझ आ गया होगा कि हमारे तिकोना बाइट्स ऊपर से एकदम क्रिस्पी टेक्सचर के बने हैं, बहुत ही कुरकुरे जबरदस्त नाश्ता। तो देखा आपने इनको बनाना कितना आसान है और आप इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं, तो जरूर जरूर बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और मुझे जरूर बताइएगा आपके तिकोना बाइट्स कैसे बने। अब ये पीस तो मैंने कर लिया है कट, मुझे रहा नहीं जा रहा है तो मैं जल्दी से इसको ट्राई करती हूँ कि कैसे बने हैं। आप भी जाइए किचन में और बनाइए चटपटे तिकोना बाइट्स। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज 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 लाइक जरूर कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड सोशल साइट्स पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद।
जय भारत।